हेलो डॉक्टर्स, तो आज के हमारे टॉपिक है सेप्टिक शॉक एंड द पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। बेसिकली आज हम जानेंगे कि सेप्टिक शॉक क्या होता है और सेप्टिक शॉक कैसे फैलता है, यानी उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेप्टिक शॉक से कि सेप्टिक शॉक क्या होता है। तो इसमें दो वर्ड हैं, सेप्टिक और शॉक। सेप्टिक शॉक समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि शॉक क्या चीज होती है, बेसिकली ये शॉक का क्या मतलब होता है, उसके बाद हम सेप्टिक शॉक समझेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए ये समझिए कि ये मान लीजिए क्या है, आपका हार्ट है और आप जानते हैं आपके हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं आपकी बॉडी के नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करूं, तो जब ये आपका हार्ट पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है किसके थ्रू, ऑर्टा या फिर आर्टरीज के थ्रू, ऑर्टा या फिर आर्टरीज के थ्रू। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका हार्ट पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड पंप होता है किसमें, ऑर्टा या आर्टरीज में, और ये ब्लड कहां जाता है, बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, कहां जाता है, बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, और बॉडी ऑर्गन्स में जब सप्लाई हो जाती है फूड की और ऑक्सीजन की, तो ये ब्लड वापस आ जाता है वेंस के थ्रू, कहां पे, राइट ऑरिकल में। तो वेंस के थ्रू ये ब्लड वापस कहां जाता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है, ये नॉर्मल जनरल सर्कुलेशन है। जो आपकी ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एक मिनट में जितना ब्लड पंप करती है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4 to 5 liter पर मिनट। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन था। शॉक समझाने वाले थे हम कि शॉक क्या होता है। अगर किसी भी डिसीज की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, यानी किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो रीजन इंजरी हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो डिसीज हो, या फिर अगर कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट हो, या दुनिया का कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से अगर आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है। कार्डिक आउटपुट क्या था, मैंने आपको बताया था कि आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल एक मिनट में जो ब्लड पंप करती है उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 4 to 5 liter। अगर आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है तो आपको पता है क्या होगा, अगर ये कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो इन आर्टरीज में, इन ऑर्टा में जो इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, यानी पहले ये इस ऑर्टा में 4 to 5 liter फेंक रहा था एक मिनट में, अब ये 4 to 5 liter ना फेंक के 2 to 3 liter फेंके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, यानी कि इन आर्टरीज में जो इफेक्टिवली सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर ये इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो आपको पता है कि इन बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचने वाला जो ब्लड का अमाउंट है वो भी डिक्रीज होगा, यानी इंपेयर है, यानी कि डिसफंक्शन इन द टिश्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जो ब्लड सप्लाई हो रही है बॉडी ऑर्गन्स में उसमें इंपेयरमेंट आ जाएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी टिश्यू या ऑर्गन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर इस टिश्यू या बॉडी ऑर्गन को अगर ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यानी ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो यहां पहुंचने वाला जो फूड और ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस होना तो क्या कहलाता है, इस्केमिया कहलाता है, लेकिन ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से, इस्केमिया की होने की वजह से यहां पे आपको हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है इन टिश्यू या बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, जिसकी वजह से इस बॉडी ऑर्गन्स की या टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके अंदर डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। किसी भी रीजन से डेथ होना, किसी भी रीजन से सेल से टिश्यू की डेथ होना नेक्रोसिस कहलाता है। लेकिन अगर किसी या टिश्यू या ऑर्गन की डेथ ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हो रही है तो हम एक पार्टिकुलर टर्म दे देते हैं, उसको बोलते हैं इंफेक्शन। तो नेक्रोसिस एक कॉमन टर्म है और इंफेक्शन एक पार्टिकुलर टर्म है, क्योंकि यहां पे जो बॉडी या टिश्यू या जो ऑर्गन है, टिश्यू या ऑर्गन है, उनकी जो डेथ हो रही है वो ब्लड सप्लाई की वजह से, कम होने की वजह से हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इन जो बॉडी ऑर्गन है या टिश्यू है इनके अंदर बेसिकली नेक्रोसिस हो रही है, और अगर आप पार्टिकुलरली कहोगे तो कहोगे इंफेक्शन हो रहा है। नेक्रोसिस में भी सेल डेथ होती है, इन्फेक्शन में भी सेल डेथ होती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ या टिश्यू डेथ होना ड्यू टू एनी रीजन, इन्फेक्शन का मतलब होता है सेल या टिश्यू डेथ होना ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। तो ये कॉमन टर्म है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हुई, ब्लड सप्लाई कम हुई तो क्या हुआ, इन्फेक्शन देखने को मिला, टिश्यू या ऑर्गन के अंदर डेथ देखने को मिली, इन्फेक्शन देखने को मिला। और जब ये इन्फेक्शन सिस्टमिक लेवल पर फैल जाता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में फैल जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। आपको पता है कि ये जो ऑर्टा है, ये जो आर्टरीज है, ये ऑल बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करेंगी, और अगर कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हुआ है
तो यानी कि सारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर होने वाली जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। यानी सारे बॉडी ऑर्गन्स में यानी सिस्टमिक लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस्केमिया देखने को मिलेगा। और जब इस्केमिया सिस्टमिक लेवल पे देखने को मिलता है, जब ये इन्फेक्शन सिस्टमिक लेवल पे देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। शॉक समझ में आ गया, तो मैं फिर सेप्टिक शॉक पे आऊं, ठीक है। शॉक समझ में आ गया, सिंपल भाषा में तो समझाऊं, किसी भी कॉज की वजह से, कोई भी कॉज हो, इंजरी हो, इन्फेक्शन हो, डिसीज हो, ट्रॉमा हो, किसी भी रीजन से अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है या फिर इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से ब्लड जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उनमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रिड्यूस होती है, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उन टिश्यू या ऑर्गन के अंदर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इन्फेक्शन मतलब टिश्यू डेथ देखने को मिलती है, सेल डेथ देखने को मिलती है। और जब ये कंडीशन सिस्टमिक लेवल पर फैल जाती है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में फैल जाती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। बात समझ में आ गई, शॉक किसी भी कॉज से हो सकता है, इंजरी, इन्फेक्शन, डिसीज, ट्रॉमा, किसी भी कॉज से। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, अगर कॉज में स्पेसिफाई कर दूं, अगर ये शॉक होने का जो रीजन है, ये जो शॉक है, ये किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, किसकी वजह से, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, अगर शॉक सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हो, किसी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वगैरह की वजह से हो, तो ऐसे शॉक को हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। शॉक और सेप्टिक शॉक में समझ डिफरेंस समझ में आया, शॉक किसी भी रीजन से हो सकता है, इट मे बी इंजरी, इन्फेक्शन, डिसीज, ट्रॉमा, किसी भी रीजन से हो सकता है शॉक। लेकिन सेप्टिक शॉक की पर्टिकुलर बात की जा रही है, अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से शॉक हो रहा है, क्या हो रहा है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से अगर शॉक हो रहा है, तो ऐसे शॉक को हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक शॉक बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है टॉक्सेमिक शॉक, क्या बोलते हैं, टॉक्सेमिक शॉक, या फिर मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एज सेप्टिक शॉक। डिफरेंस समझ में आ गया, चलिए आगे और बात करते हैं सेप्टिक शॉक के बारे में। देखो सेप्टिक शॉक मैंने आपको बताया किसकी वजह से होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से, किसकी वजह से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से, यानी माइक्रोब्स की वजह से। अब माइक्रोब्स कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली सेप्टिक शॉक हमने जो देखा पेशेंट्स के अंदर, वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली इट इज ट्रिगर्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो सेप्टिक शॉक होने का जो रीजन है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मोस्ट ऑफ टाइम्स, इट इज बेसिकली ट्रिगर्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हालांकि बाद में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फंजाई भी अटैक करते हैं, बाद में उस पेशेंट के ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फंजाई भी अटैक करते हैं, बट प्राइमरली सेप्टिक शॉक इज इनिशिएटेड एंड ट्रिगर्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसा क्या करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कुछ रिलीज करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, जिनके नाम है लिपोथेकोइक एसिड एंड सुपर एंटीजन्स, लिपोथेकोइक एसिड्स और सुपर एंटीजन्स, ठीक है। ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ये बेसिकली एक्सोटॉक्सिन्स हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। क्योंकि ये एक्सोटॉक्सिन से शॉक प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम एक्सोटॉक्सिक शॉक बोलते हैं। तो ऐसा सेप्टिक शॉक जो एक्सोटॉक्सिन से हो रहा है वो क्या है, एक्सोटॉक्सिक शॉक है। तो जो सेप्टिक शॉक है ये इनिशिएट कर दिया जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा, लेकिन बाद में इस पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फंजाई भी अटैक करेंगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब बाद में अटैक करेंगे तो वो रिलीज करेंगे कुछ एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है, जैसे कि लिपोपॉलीसेक्राइड्स। और क्योंकि सेप्टिक शॉक ये एंडोटॉक्सिन से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोटॉक्सिक शॉक बोलेंगे। तो पहले इनिशिएट किया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स लाइक लिपोथेकोइक एसिड्स एंड द सुपर एंटीजन्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं लाइक लिपोपॉलीसेक्राइड। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है। आईसीयू के अंदर वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, पूरे दुनिया में बात करूं, तो आईसीयू के अंदर होने वाली जो डेथ है उनका जो मोस्ट ऑफ द कॉज रीजन होता है वो होता है सेप्टिक शॉक। यानी आईसीयू में मैक्सिमम जो डेथ होती है उसका जो रीजन होता है वो सेप्टिक शॉक होता है। सेप्टिक शॉक की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, सेप्टिक शॉक की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और इंसान की क्या होती है, डेथ हो जाती है। इसका मैकेनिज्म अभी मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। बेसिकली कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बिटवीन सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक, कि सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में क्या डिफरेंस है। देखो अगर आपकी बॉडी में इंफेक्शन होता है, बेसिकली देखो होता क्या है, अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी होती है या कोई इंफेक्शन होता है, तो इसके अगेंस्ट आपकी जो बॉडी होती है वो एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करती है। उस प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन के बदले हमारी जो बॉडी है उसने इन्फ्लेमेशन जनरेट किया है, क्या जनरेट किया, इन्फ्लेमेशन जनरेट किया है। और ये इन्फ्लेमेशन अगर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है तो इसको बोलते हैं सेप्सिस।
तो बेसिकली आपकी बॉडी में इंफेक्शन हुआ, पूरी बॉडी में इंफेक्शन हुआ, उसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ, और पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्सिस बोलते हैं। अरे सेप्सिस की तीन स्टेज होती है, पहली होती है सेप्सिस, दूसरी होती है सीवियर सेप्सिस, और तीसरी होती है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक जो होती है ये बेसिकली फाइनल स्टेज होती है सेप्सिस की। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन सिस्टमिक लेवल पे फैल जाता है, थ्रू आउट द बॉडी फैल जाता है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जहां जो पर्सन होता है उसका बीपी बहुत विग्रसली लो हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके वाइटल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके वाइटल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। आपको पता है अगर बीपी लो होगा, बीपी लो होगा तो क्या होगा, ब्लड जो है वो स्लोली फ्लो करेगा, यानी जो वाइटल ऑर्गन्स है, हमारे ब्रेन है, किडनी है, वहां पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और वाइटल ऑर्गन्स तक अगर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, उन ऑर्गन्स में हाइपोक्सिया होगा, क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और वो ऑर्गन धीरे धीरे करके फेल करने लग जाएंगे, ऑर्गन फेल होने लग जाएंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मोस्ट डिफिकल्ट, लोग कहते हैं बट ये बहुत इजी चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट किस चीज का है बेसिकली, सो दिस इज द चार्ट ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक, यानी सेप्टिक शॉक कैसे फैलता है, ये उसका बेसिकली चार्ट है, और ये चार्ट हमने कहां से लिया गया है, ये बेसिकली रॉबिन्स बुक से लिया गया है, ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, मान लीजिए कोई माइक्रोब था, अब वो माइक्रोब कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइक्रोब ने क्या किया, कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट रिलीज किए। अब माइक्रोब है तो क्या रिलीज करेगा, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, उन टॉक्सिन्स को हम माइक्रोबियल प्रोडक्ट कह रहे हैं। अब ये टॉक्सिन्स या माइक्रोबियल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं PAMPS, ठीक है, या फिर DAMPS, या फिर बैक्टीरियल पेप्टाइड्स। इसमें PAMPS DAMPS क्या है, तो PAMPS बेसिकली होता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, क्या होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, और DAMPS क्या होता है, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया, माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया, फंजाई, उन्होंने कुछ टॉक्सिन्स रिलीज किए जिनको अपने माइक्रोबियल प्रोडक्ट कहा, उन माइक्रोबियल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, PAMPS DAMPS या फिर बैक्टीरियल पेप्टाइड्स। PAMPS मतलब पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, DAMPS मतलब डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब ये जो टॉक्सिन्स रिलीज किए हैं, इन टॉक्सिन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी WBCs पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक हमारी न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो हमारी न्यूट्रोफिल्स हुई, मोनोसाइट्स हुई, मैक्रोफेजेस हुई, उनके पास इन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं PAMPS और DAMPS, तो PAMPS और DAMPS के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उनको बोलते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स, क्या बोलते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर। वही बैक्टीरियल पेप्टाइड के लिए जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं दिस इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो बैक्टीरियल पेप्टाइड के लिए होते हैं हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर, क्या होते हैं, सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर। और PAMPS और DAMPS के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जो माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया, फंजाई, उन्होंने माइक्रोबियल प्रोडक्ट रिलीज किए लाइक PAMPS DAMPS और बैक्टीरियल पेप्टाइड्स, इनको किसने रिसेप्ट किया, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट थे हमारी WBCs के पास, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के पास। तो इन सेल्स ने ये जो टॉक्सिन्स रिलीज किए थे इनको रिसेप्ट किया, और जैसे रिसेप्ट किया तो हमारी जो ये WBCs थी, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स वगैरह, इन्होंने कुछ केमिकल रिलीज किए, और उन केमिकल को हम बोलते हैं साइटोकाइंस एंड साइटोकाइंस मेडिएटर। इनके नाम है TNF, इंटरल्यूकिन 1, HMGB1। तो बेसिकली आप ये समझिए कि न्यूट्रोफिल्स और जो आपकी WBCs हैं, उन्होंने जब ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट को सेंस किया अपने रिसेप्टर्स के थ्रू, तो उन्होंने कुछ साइटोकाइंस एंड साइटोकाइन लाइक मेडिएटर रिलीज की। अब ये साइटोकाइंस बेसिकली क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है हमारी, दिस इज बेसिकली अवर ब्लड वेसल, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में जो ये सेल्स होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स। तो इन एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ये जो केमिकल्स रिलीज हुए हैं, साइटोकाइन लाइक मीडिएटर, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये बेसिकली क्या करेंगे, एंडोथेलियल सेल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, और एंडोथेलियल सेल्स कैसे एक्टिवेट होती है, तो जो ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट है PAMPS DAMPS बैक्टीरियल पेप्टाइड, ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम।
एक मैंने आपको इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर पढ़ाया है, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बताया है। वहां मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, मिलके बना होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से। किससे? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या प्रोटीन क्या करती है, ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करती है। तो यहां वही आप रिवाइज करिए कि जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो C3 प्रोटीन थी वो C3A में कन्वर्ट हो जाती है। और अब ये जो C3A प्रोटीन है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है, एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली अब तक क्या हुआ कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट थे उन्होंने न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट किया और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, और जिन्होंने क्या किया, एंडोथेलियल सेल्स जो थी उनको एक्टिवेट किया। जब ये एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, तो ये एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं, कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, नाइट्रस ऑक्साइड और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। जब ये इतने सारे केमिकल इन एंडोथेलियल सेल्स के एक्टिवेशन से रिलीज होते हैं, तो ये केमिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर डायलेशन कर देते हैं, उनकी परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये सारे केमिकल्स हमारी ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स के बीच में ये ब्लड वेसल्स की सेल्स थी, इनको हम बोलते थे एंडोथेलियल सेल्स, इन पे जाके एक्टिव करते हैं। जब इन पे जाके एक्ट करते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इन सेल्स के बीच में गैप क्रिएट कर देते हैं। पहले ये एकदम चिपके चिपके थी, इनके बीच में गैप क्रिएट कर देते हैं। जब गैप क्रिएट कर देते हैं तो इन जो वेसल्स थी इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो इनसे जो केमिकल्स हैं या जो भी सॉरी ब्लड अंदर फ्लो हो रहा था वो सब बाहर निकल के आ जाता है। जब ब्लड बाहर निकल के आ जाएगा तो इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो जो ये जो आर्टरी जिन भी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा रही थी उन तक उतना इफेक्टिवली नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि सारा कंटेंट तो बाहर निकल गया। बेसिकली ये जो आर्टरी थी ये किसी बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही थी, लेकिन क्योंकि इन केमिकल की वजह से क्या हुआ, इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो गया और जो ब्लड वाला पार्ट, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वाला पार्ट था वो बाहर निकल गया, तो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो अब ये जो ब्लड सप्लाई कर रही थी ऑर्गन्स तक उतना अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो बेसिकली देयर इज डिक्रीज इन द परफ्यूजन, डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स होंगे हमारे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर इस्केमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा और इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से ऑर्गन फेल करना सप्लाई स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑर्गन्स के पास प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई। तो एंडोथेलियल एक्टिवेशन की वजह से एक काम तो ये हुआ कि ये केमिकल रिलीज हुए जिन्होंने वैसोडाइलेशन कराया, और वैसोडाइलेशन की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन अराइज हुई। दूसरा और ये क्या होता है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं जो एक्टिवेट हुई हैं, ये एंटी फाइब्रिनोलाइटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, अब एंटी फाइब्रिनोलाइटिक का काम क्या होता है, ये इनहिबिट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्लॉट बनते रहते हैं, इनके अंदर क्लॉट बनते रहते हैं, ब्लड के क्लॉट बनते रहते हैं प्लेटलेट्स के थ्रू। इन क्लॉट को टाइम टू टाइम तोड़ दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिनोलाइसिस। तो फाइब्रिनोलाइसिस की हेल्प से जो हमारी डेली लाइफ में जो छोटे मोटे क्लॉट बनते रहते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, उनको तोड़ दिया जाता है। लेकिन एंडोथेलियल सेल्स के एक्टिवेशन से क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स के एक्टिवेशन से एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स जो होते हैं ये फाइब्रिनोलाइसिस के अपोजिट काम करते हैं, ये बेसिकली इन क्लॉट का जो ब्रेकडाउन है उसको ब्रेकडाउन नहीं होने देते, उसका ब्रेकडाउन होने से रोकते हैं। अगर ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे तो छोटे छोटे क्लॉट बनने लग जाएंगे, यानी थ्रोम्बोसिस होने लग जाएगी। और आपको पता है कि अगर ब्लड में के क्लॉट बनने लग जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड एक जगह रुकना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है ना, ब्लड के अगर जो ब्लड की वेसल्स हैं उनके बीच में अगर क्लॉट बन जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, तो जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर इस्केमिया शो होगा और मल्टीपल फॉर ऑर्गन फेलियर की कंडीशन अराइज होगी। तो एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ये बेसिकली इन क्लॉट के फॉर्म के ब्रेकडाउन को रोकते हैं। ये क्लॉट बेसिकली ब्रेकडाउन होने थे फाइब्रिनोलाइसिस के द्वारा, बट ब्रेकडाउन नहीं हो पाए ड्यू टू दिस एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स। ये एंडोथेलियल एक्टिवेशन क्या करता है, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स को तो इंक्रीज करता है जो इस क्लॉट के ब्रेकडाउन को रोकते हैं, साथ ही साथ प्रोकोगुलेंट को भी बढ़ा देता है। प्रोकोगुलेंट मतलब वो जो इन क्लॉट के फॉर्मेशन को हेल्प करेंगे, यानी कि क्लॉट को तोड़ने से तो रोक रहा है, ऊपर से बना और रहा है और ज्यादा क्लॉट बना रहा है,
तो और ज्यादा थ्रोम्बोसिस होगी और ज्यादा ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और ज्यादा चांसेस रहेंगे टिश्यू इस्केमिया के और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के। यही काम माइक्रोबियल प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये माइक्रोबियल प्रोटेक्ट क्या करते हैं, हमारे ब्लड में जो फैक्टर 12 होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और हमारा जो फैक्टर 12 है ये जो हमारे प्रोकोगुलेंट्स हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं उनको एक्टिवेट करता है, तो और ज्यादा क्लॉट बनवाता है। और जितना ज्यादा क्लॉट बनेगा उतना ज्यादा ब्लॉकिंग होगी, उतना ज्यादा ब्लड सप्लाई में दिक्कत होगी और उतना ज्यादा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस रहेंगे। तो एक तो ये काम हुआ। एक और लास्ट काम मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट थे इनसे जो टॉक्सिन्स रिलीज हुए थे उनके रिसेप्टर प्रेजेंट थे हमारी डब्ल्यूबीसी के पास। जैसे ही डब्ल्यूबीसी ने इन टॉक्सिन को रिसेप्ट किया उन्होंने साइटोकाइंस रिलीज किए थे। तो एक तरफ का तो काम मैंने ये बताया कि इन साइटोकाइंस ने क्या कराया था, वैसोडायलेशन कराया था जिसकी वजह से परमिबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, सारा प्लाज्मा बाहर निकल आया था जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था और ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई थी। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये हमारे सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं, ये हमारी बॉडी में सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं इन डब्ल्यूबी से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फीवर अराइज होता है और जो हमारी मायोकार्डियल एक्टिविटी है, मायोकार्डियल एक्टिविटी मतलब हमारा जो हार्ट का जो फंक्शन है उसको डिक्रीज कर देते हैं, यानी बेसिकली जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट है उसको डिक्रीज कर देते हैं। और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू द डिमिनिश्ड इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो क्या होगा, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड ही कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑर्गन्स तक प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और हमें मल्टीपल ऑर्गन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो साइटोकाइंस हैं कुछ सेकेंडरी एंटी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनो सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं और सिस्टमेटिक इफेक्ट्स इस तरीके से जनरेट करते हैं कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, हमारा हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करता है जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती है जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेप्टिक शॉक एंड द पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।